नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। स्वागत करती हूं आपका आज के इस वीडियो में। अगर किसी के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो वो लोग दिखने में काफी अजीब और अलग लगते हैं। अक्सर लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल हो तो ये लोग दिखने में अक्सर डरावने भी लगते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के एक गाँव में देखा गया है। आइए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में कि ये पूरा मामला क्या है। कुछ लोगों के शरीर पर बाल होते हैं तो कुछ के शरीर पर नहीं, कुछ के शरीर पर नॉर्मल बाल होते हैं तो कुछ के शरीर पर काफी अधिक। भारत में एक बच्चा ऐसा भी है जिसके चेहरे पर इतने बाल हैं कि उसे देखकर कोई भी डर सकता है। ये मामला मध्य प्रदेश के छोटे से गांव नंदलेटा का है, जहां का रहने वाला एक 17 साल का लड़का एक सिंड्रोम से पीड़ित है जिसके कारण उसके चेहरे पर इतने अधिक बाल हैं। ये लड़का कौन है और इसे कौन सा सिंड्रोम है जिसके कारण उसके चेहरे पर सामान्य से कई गुना अधिक बाल है, आइए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में। 17 साल के इस लड़के का नाम ललित पाटीदार है, जो सामान्य परिवार से आता है। ललित अभी 12वीं क्लास का स्टूडेंट है और परिवार की मदद के लिए खेती भी करता है। ललित हाइपरट्रिकोसिस या वेयरवुल्फ सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे, बाहों और शरीर के अन्य हिस्सों पर बालों की सामान्य से अधिक ग्रोथ होने लगती है। ललित ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं 17 साल का हूं और स्कूल भी जाता हूं। शुरुआत में छोटे बच्चे और लोग मुझे देखकर डर जाते थे। बच्चों को लगता था कि मैं किसी जानवर की तरह काट लूंगा। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि बचपन से ही मेरे शरीर पर इतने अधिक बाल है और माता पिता का बोलना है कि मेरे जन्म के बाद डॉक्टर्स ने शेव किया था। जब मैं 6 या 7 साल का था, तब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया, मेरे शरीर पर बाल बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। लोग मुझे बंदर कहकर चिढ़ाते थे और मुझसे दूर भागते थे। ललित ने आगे कहा, जब मैं छोटा था तो लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते थे क्योंकि मैं आम इंसानों जैसा नहीं दिखता था। मैं लाखों लोगों में अलग था क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर बाल थे। मैं भी आम लोगों की तरह जीना चाहता हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। शरीर पर बालों की ग्रोथ की असामान्य स्थिति को हाइपरट्रिकोसिस कहते हैं। हाइपरट्रिकोसिस दो तरह की होती है, एक स्थिति में शरीर के कुछ अंगों पर बाल आते हैं तो दूसरी स्थिति में निश्चित एरिया पर। हाइपरट्रिकोसिस को वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में किसी व्यक्ति के शरीर पर अत्यधिक बाल आते हैं। ये सिंड्रोम महिला और पुरुष दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन ये काफी दुर्लभ होता है। हाइपरट्रिकोसिस जन्म के बाद या जन्म के पहले भी हो सकती है। हाइपरट्रिकोसिस कई प्रकार की होती है, जैसे कॉन्जिनेंटल हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस की यह स्थिति जन्म के साथ ही होती है। इसमें जन्म के समय बच्चे के शरीर पर पाए जाने वाले महीन बाल शरीर में अलग अलग जगह पर दिखने लगते हैं। कॉन्जिनेंटल हाइपरट्रिकोसिस टर्मिनलिस। हाइपरट्रिकोसिस की स्थिति में बाल जन्म के साथ असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं और जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ये बाल आमतौर पर लंबे और मोटे होते हैं, जो व्यक्ति के चेहरे और शरीर को ढक लेते हैं। ललित की स्थिति यही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाइपरट्रिकोसिस के कारणों को अभी तक समझा नहीं गया है। हालांकि ये एक तरह की बीमारी है जो वंशानुगत भी हो सकती है। हाइपरट्रिकोसिस के संभावित कारण कुपोषण, डाइट या ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, कैंसर, कुछ दवाएं जैसे कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, बाल बढ़ाने वाली दवा मिनोक्सिडिल और साइक्लोस्पोरिन आदि इस स्थिति का कारण हो सकता है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।